प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज शास्त्री घाट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसजनों ने मंडला आयुक्त कार्यालय पहुंचकर एडिशनल कमिश्नर संदीप कुमार गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बताते चले कि सबसे पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता वाराणसी के शास्त्री घाट पर पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे ई रिक्शा चालकों के धरना में शामिल हुए, उनका समर्थन किया और उसके बाद उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने पुलिस का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, फर्जी एनकाउंटर बंद करो और कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी सरकार मस्त जैसे नारे लगाए। इसके बाद शास्त्री घाट से सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर मंडला आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। इस मौके पर पुलिस की फोर्स भी पूरे रास्ते भर तैनात नजर आई। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए आगे आगे चलती नजर आई, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। इसके साथ ही सभी लोग रास्ते भर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चलते नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज के प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और हमारे शहर के ई रिक्शा चालकों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। अजय राय ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के पेट पर लात मारने का काम करती है। हमारे ई रिक्शा साथी जो पिछले 15 दिनों से बिना खाए पिए यहाँ पर अनशन पर धरना दे रहे हैं, उसका साथ देने वाला कोई नहीं। आज हम उनके साथ यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पहुँचे हैं। वहीं जिस प्रकार से कानून व्यवस्था आज प्रदेश में हो गई है, उसे लेकर हम बीजेपी वालों से जवाब भी मांगते हैं। तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जो जिनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो आज हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी और हमारे जो आज यहाँ ई रिक्शा के लोग हैं, ये सब लोग आज साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर से आज कानून व्यवस्था आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। राम जन्मभूमि में जो बच्ची काम कर रही थी, उसके साथ रेप हुआ। रेप कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा वंश चौधरी, जो नयन कमल चौधरी मंडल अध्यक्ष है इनका, उसका बेटा है, उसको पूरी तरीके से सरकार बचा रही है। 16 तारीख की घटना और 2 तारीख को FIR होता है। ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है और गरीबों के पेट पर लात मारा जा रहा है। जो गरीब आज अपना ई रिक्शा, अपनी पत्नी का गहना रखकर ब्याज पे पैसा लेकर ई रिक्शा चला रहा है, उसको आज प्रताड़ित किया जा रहा है। 15 दिन से ये लोग आज यहाँ पर पूरी तरीके से। वही राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान के बाद बीजेपी नेताओं के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारे जननायक नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां बीजेपी वाले कर रहे हैं। उनको कभी कोई आतंकवादी कह रहा है तो कभी कोई उनकी जीप काटने की बात कर रहा, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसे भाजपा के नेता है जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसलिए वह आज हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए आज हम सभी कांग्रेस जन हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और सभी ई रिक्शा भाइयों के साथ यहां खड़े हैं। इसका मेन कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको इनके नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, एक इनका सहयोगी दल का विधायक उनकी जीभ काटने की बात करता है। तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जो जिनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो आज हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी और हमारे जो आज यहाँ ई रिक्शा के लोग हैं, ये सब लोग आज साथ खड़े हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलने को लेकर अजय राय ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को भटकाने का काम करती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो अभी हाल ही में 4 राज्यों में से 2 में ही इलेक्शन क्यों हुआ? यह चाहते ही नहीं है कि देश प्रगति की ओर बढ़े। यह सिर्फ और सिर्फ प्रगति के नाम पर जनता को भटकाने का काम करते हैं। मैं साफ कहना चाहूँगा, इनकी मंशा वन इलेक्शन वन नेशन की नहीं है,
इनकी मंशा केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाना, क्योंकि कोई इशू है नहीं, कोई इशू है नहीं। तो ये अभी चार स्टेट का चुनाव होना था, तो दो दो अलग अलग क्यों स्टेट करा रहे हो आप अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा करा रहे हो। वन नेशन वन इलेक्शन का की अगर मंशा होती तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भी साथ होता, हमारा झारखंड भी होता, जम्मू कश्मीर भी होता, हरियाणा और सारे बाई इलेक्शन साथ होते। बाई इलेक्शन को भी बांट दिया, 13 स्टेट पहले कराया और अभी यूपी और अन्य प्रदेश के भी बाकी हैं, छत्तीसगढ़ बाकी है, इसलिए कि वहाँ की हालत ख़राब है। वन इलेक्शन वन नेशन केवल और केवल प्रोपेगेंडा है और जनता का ध्यान भटकाना।